अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू फैसल एनर्जी व्लॉग्स चैनल। और भाई, जो लोग भी अभी तक चैनल का पार्ट नहीं बने तो मस्ट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह जल्द वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताऊँगा। तो भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का और वो चाह रहे थे कि मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह की हैं यहाँ पे और क्या वो इजीली अवेलेबल भी हैं। स्पेसिफ़िकली हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स में और जॉब जितनी भी होती हैं हम उनकी बात आज करेंगे। तो यार, सबसे पहले माजरत कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, और लेट आने की उसकी एक वजह है। अबे तू तो चुप कर ले। तो यार, सबसे पहले माजरत कि वीडियो लेट आ रही है और लेट आने की एक वजह है, और वो वजह ये है कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अब आपके सामने ऐसे लंबी मैं छोड़ तो नहीं सकता कि जॉब्स के ये सीन है, जॉब्स के वो सीन है, और फिर आप में से जो लोग यहाँ पे बाद में पहुँचो और फिर आप लोग कहो कि भाई ये तो रियलिटी तो और है, और फिर आप मुझे याद करो और कहो कहाँ गया उसे ढूंढो। तो यार, बात करते हैं आज पार्ट टाइम जॉब्स की और किस तरह की जॉब अवेलेबल हैं, ठीक है, ईज़िली आपको कौन सी मिल जाएंगी। पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि जब आप यहाँ पे आओगे आपको ऑलमोस्ट 2 महीने तो लग जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में, ठीक है। 2 से कम नहीं, ज़्यादा लग सकते हैं, कम मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा इसके बाद, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर बोर भी हो जाते हैं, और इसीलिए मैं बाहर घूम फिर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और मुझे कमेंट्स में बताना कि इस तरह आपको पसंद आती है घूम फिर के वीडियो दिखाना, या फिर मैं कहीं पे बैठ जाऊँ और आराम से सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना। अच्छा, तो पहले यार एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो जो बैचलर्स वाले लोग हैं वो अभी 10 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं जो उनको अलाउ है, और जो लोग मास्टर्स वाले हैं वो लोग 20 घंटे कर सकते हैं। मैंने र्यूमर सुना है कि ये जो है रिस्ट्रिक्शन में भी हट जाए, मे बी आपको ज़्यादा वर्किंग आवर्स अलाउ हो जाएं इन द फ्यूचर, बट फ़िलहाल के लिए ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है। तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा, आपने कैलकुलेट खुद करना है और कौन कौन सी जॉब्स होंगी और उनकी पे कितनी होगी पर आवर, वो मैं आपको बताऊँगा और कैलकुलेट आप लोगों ने खुद कर लेना है। अच्छा, तो यार पार्ट टाइम जॉब्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी हो गई इंडोर जॉब्स की और दूसरी हो गई आउटडोर जॉब्स की। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडोर जॉब्स की। ओके यार, तो जॉब्स के बारे में तो आपको बताता हूँ। साथ में ये सामने एक मशीन थी और ये मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे एक स्टेशन के नीचे, और ये जाती है केबल कार ऊपर माउंटेंस तक। तो इनशाला एक वीडियो में हम लोग वहाँ ऊपर भी जाएंगे, बट अभी मैंने कहा थोड़े प्राइसेस चेक कर लेते हैं इसके। तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, सिर्फ आपने ऊपर जाना है और नीचे वापस आना है। इसमें है सिर्फ आपने ऊपर जाना है वापस आना है, और इंक्लूडिंग जू भी है, और इसमें और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, आई थिंक कोई म्यूज़ियम टाइप भी है, वो भी है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंगल राइड और बहुत सारे फंक्शन हैं। अब देख लेते हैं इसकी क्या प्राइस आती है सिर्फ अप एंड डाउन की। ओके, अगर आप एडल्ट हैं, टीनेजर हैं या चाइल्ड हैं, तो इसमें लिखी हुई है कि कौन सी आपकी बर्थ डेट से लेके, तो वो उस कैटेगरी में जिसमें आपकी बर्थ हुई थी आपने ये सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें आ रहे हैं जनाब 44 यूरोस। तो ये खर्चा है ऊपर जाने का, बट हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है, जल्द ही किसी न किसी वीडियो में ज़रूर ऊपर जाएंगे। ये है उसका ट्रैक बना हुआ और वो ऑल द वे अप टू 2 स्टेशन है ऊपर टॉप पे, हम लोग वहाँ पर जाएँगे। अच्छा, तो यार इंडोर जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो है रेस्टोरेंट की जॉब, जो आपको इजीली मिल भी जाएगी, और उसमें जो पोजीशन होती हैं वो वेटर कह लो, ठीक है, किचन में, और एज अ शेफ़ भी आपको मिल सकती है अगर आप कुकिंग जानते हैं। तो आपका भाई एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 19 रेस्टोरेंट में मैं सिर्फ गया हूँ ये पता करने के लिए कि कितनों में मुझे जॉब की ऑफ़र होती है। तो भाई, मैं एक तो गया हूँ मैकडोनल्ड पे, स्टारबक्स पे, बर्गर किंग, और इस तरह और भी काफ़ी जगह और रेस्टोरेंट, ये वो फेमस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मैं गया हूँ और आप भी इससे शायद फैमिलियर हों। तो यार, मुझे जो ऑफ़र हुई वो तकरीबन 6 रेस्टोरेंट से ऑफ़र हुई, और उसमें से 2 थे जिन्होंने मुझे कहा कि हमें फ़िलहाल बंदा तो चाहिए, बट हम आपको
18 आवर्स पर वीक अलाउ कर सकते हैं, और उसकी जो वो मुझे पे कह रहे थे वो कह रहे थे 8.5 यूरोस, जो के ग्रॉस कह रहे थे, और ग्रॉस का मींस ये है कि इसमें आप 15% टैक्स भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि जो भी आप जॉब करोगे आपने 15% टैक्स उसका देना है, ठीक है। तो ये नेट जो है वो कम बन जाती है, कुछ 7 समथिंग बन जाती है, तो इसमें फिर ये कोई अच्छी ऑफ़र वो नहीं दे रहे थे। बाकियों ने मुझे 10 11 इतने की ऑफ़र भी की जो ग्रॉस पे थी, उसके साथ आपकी टिप्स भी होती हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी पोजीशन पे कर रहे हो रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो आपको टिप्स मिलती हैं, और वो टिप्स फिर यहाँ पे सर्कुलेट होती हैं इनकी, और टोटली जो है वो डिवाइड होती हैं जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर। और बाकी तकरीबन कोई 4 से 5 थे जिनके अभी मैनेजर या ऑनर्स कह लो वो थे नहीं, ठीक है। वहाँ की मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता कि वहाँ मिलती होगी या मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट 6 से मुझे ऑफ़र हुई, और बाकी ने कहा कि हमें कमिंग मंथ्स में मे बी हमें बंदे चाहिए, तो आप चक्कर लाजमी लगाना। और जब आप अप्लाई करोगे तो वो लोग आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करेंगे AMS में। और अब AMS क्या है, ये है आर्बिट्स मार्केट सर्विस, ये इनका एक इदारा है जो कि अथॉरिटी रखता है कि आपको इसने वर्क परमिट देना है, ठीक है। और जब आप अप्लाई करोगे तो इसके अप्लाई करने के बाद आपके 2 वीक्स लग जाएंगे, ठीक है, और 2 वीक्स के बाद ही वो आपको परमिट देंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। और यार इंडोर में जो स्टोर्स होते हैं जिनके ऊपर कैसा कैशियर या आप लोग स्टोर के अंदर जो कंपार्टमेंट्स फिलिंग का काम होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको लैंग्वेज चाहिए। तो जो लोग इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि यार हम लोग स्टोर्स के ऊपर जॉब करेंगे, तो लैंग्वेज लाजमी सीखो, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको स्टोर दिखाए थे, जो मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग है, अगर आपने नहीं देखी उसकी वीडियो तो ये ऊपर कहीं आई कार्ड आ रहा होगा, वो शॉपिंग की जो गाइड है वो भी आप देख लें, और आपको स्टोर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे जॉब्स के लिए आपको लैंग्वेज मस्ट है, तो वहाँ से आप पाकिस्तान से भाई जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। अगर आप अंदाज़ा लगा लो तो रेस्टोरेंट में जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ये वैसे डिपेंड करता है इनके फेस्टिवल कौन से चल रहे हैं, अभी जो इनका क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी और आती हैं, और मौसम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, सम हाउ। तो ये नहीं है कि जॉब हैं नहीं, रेस्टोरेंट पर भी काफ़ी जॉब्स हैं, और काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ पर मैं गया था और उन्होंने हमें कहा था कि अभी हमारा बॉस नहीं है, जब वो आएगा तो वो आपको जो है वो बता सकता है, डिटेल देगा। तो दैट मींस कि उनकी भी प्रोबेबिलिटी थी कि वहाँ पे भी हमारे जॉब के चांसेस बन सकते थे। तो ओवरऑल रेस्टोरेंट की जॉब है इंडोर की, और ख़ास तौर पे सर्दियों में मैं तो यही कहूँगा कि प्रेफर यही करो कि इंडोर जॉब्स करो। और अगर जिस तरह की सिटी में मैं हूँ, जिस तरह की ये बहुत ठंडा सिटी है और यहाँ पर बर्फबारी भी ज़्यादा होती है, तो इंडोर जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आउटडोर जॉब्स की, और आउटडोर जॉब्स का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि आउटडोर जॉब्स में ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं कौन सी जॉब्स, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की जॉब्स होती हैं, जैसे कि कुछ लोग फेमिलियर होंगे ऊबर के साथ, ठीक है। तो ऊबर जैसी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, और वो हैं तकरीबन 3 कंपनीज, जिनमें एक होती है फ्लिंक, ठीक है, ये ग्रॉसरी और ऑनलाइन फूड दोनों के लिए है। उसी तरह म्याम है, ये भी ऑनलाइन ग्रॉसरी और ऑनलाइन फूड डिलीवरी की करती है। और थर्ड नंबर पे है जनाब लेफरेंडो, वैसे जो सबसे बेस्ट है इनमें से वो है लेफरेंडो, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनसे बात की, उनको मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं रख रहे। उसकी क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, बट ये है कि एट द मोमेंट वो लोग नहीं रख रहे। और सेम सिनेरियो फ्लिंक के साथ भी है, ठीक है, फ्लिंक वाले जो हैं वो भी नहीं रख रहे, ठीक है, और जो म्याम है वो रख रहे हैं, और उनकी जो पे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं म्याम की, जो के बंदे रख रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी रख रहे हैं वो लोग, और उनकी पे की बात करते हैं। तो यार उन्होंने जो ऑफ़र किया है वो किया है 12 यूरोज़ पर आवर, ये ग्रॉस है, और इसके साथ इंसेंटिव क्या होगा कि पर किलोमीटर 24 सेंट भी आपको मिलेंगे, और उसके अलावा अगर आप अपना ही फ़ोन और अपना ही डेटा यूज़ करोगे तो उसके भी इंसेंटिव हैं। और एक और आउटडोर जॉब जो के है वो है कि अगर आपके पास लाइसेंस है पाकिस्तान से, जो कि इंटरनेशनल में कन्वर्ट हुआ है, अगर नहीं भी हुआ तो वो यहाँ पे हो जाता है, आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइसेंस के लिए
पहले आपको लर्निंग परमिट मिलता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप्स और बाकी के कबाब शॉप्स वो हैं, वो आपको अपनी गाड़ी देते हैं और आपके पास जब परमिट होगा तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन वो 6 महीने के लिए आपका परमिट वैलिड होता है। उसके बाद आपने लाइसेंस कन्वर्ट करवाना पड़ता है और फिर उसका एक टेस्ट होता है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि आप उस पर भी काम कर सकते हो। अच्छा, तो यार इस चीज़ को मैं ज़रा भी इनक्रेज नहीं कर रहा कि आप अपनी वर्क लिमिटेशन से ऊपर काम करो, ठीक है, और ये आपने ख़ुद ही रिस्क लेना है अगर आप लेना चाहते हो। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 आवर्स पर वीक है, तो वो ये कहेंगे कि यार हमारे तो ख़र्चे पूरे ही नहीं होंगे। वेल, ऑब्वियसली बात है उनके ख़र्चे बहुत मुश्किल से मैनेज होंगे, और उनको तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि वो स्टार्ट में अपनी जो अकोमोडेशन है वो वहाँ लें, शेयर्ड हो और कम से कम, ताकि उसका आपको ख़र्चा है, ठीक है, आप अपने एक्सपेंसेस कम से कम करो। और दूसरी बात यह है कि बाकी जो आपको जुगाड़ मिलते हैं वो आप करो, लेकिन मैं इस चीज़ को इनक्रेज बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन वही बात है, अगर आपकी मजबूरी है तो आपने करना है तो फिर अपने रिस्क भी आप करो। और उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अखबार वाला काम भी करते हैं, और अखबार फेंकने वाला काम इस तरह होता है कि वो आपने रात को कुछ 2-3 बजे करना होता है, और उसमें आपने रूट लेने होते हैं। पर रूट आपको तकरीबन 300-350 यूरो मिलता है पर मंथ का, ठीक है, तो अगर आपको 2 या 3 रूट मिल जाते हैं तो उससे भी आपका ख़र्चा निकल सकता है। यार आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सी जॉब इजीली अवेलेबल होती हैं, उनकी पेज बता दी, इंडोर जॉब आउटडोर जॉब इसकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वैसे तो आपका जो मेन एक्सपेंस होता है ना वो होता है आपका रेंट, और रेंट के बारे में और हॉस्टल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी ऊपर कहीं आ रही होगी, वो आप ज़रूर चेक करें कि मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ और मेरा रूम किस तरह का, ठीक है। और दूसरी चीज़ के सारी जॉब्स के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी, मज़ीद मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। ये वैसे ट्रैक बना हुआ है उसका, ठीक है, और केबल कार जो है वो यहाँ से नीचे अंडरग्राउंड जाती है और दैन पता नहीं कहीं से ऊपर जा के निकलती है। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब वैसे सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है, छोटा सिटी होगा तो लाजमी बात है जॉब ज़रा कम होगी, और बड़ा सिटी होगा इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो जॉब भी ज़्यादा होंगी। तो ये इंसब्रुक जो है ये छोटा सिटी है, बट फिर भी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, और जो है जॉब्स की जो सिचुएशन है वो मैंने आप लोगों को बताई है कि इंडोर में कौन सी जॉब्स हैं, आउटडोर में कौन सी जॉब्स हैं, और उनकी पे वगैरह, ठीक है, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। और मैं पर्सनली गया था तकरीबन 18-19 रेस्टोरेंट में, और उसका ही डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यार अब आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की जॉब इजीली अवेलेबल हैं और कौन सी जॉब आप लोग कर सकते हो, इंडोर में कौन सी जॉब्स हैं और आउटडोर में कौन सी जॉब्स हैं। नेक्स्ट में मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईटी से या मैनेजमेंट से या मेडिकल से या इंजीनियरिंग से, इन जो बैकग्राउंड से लोग हैं उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। और फर्दर जो है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑस्ट्रिया पहुंचोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यार इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स और आपकी क्यूरीज़ वो इस वीडियो की वजह से क्लियर हुई होंगी और आपको जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई होगी, जो लोग भी प्रोसेस में चल रहे हैं, जो लोग यहाँ ऑस्ट्रिया आना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। चैनल को कर लो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।